चिली सॉस या टॉम ची जो हॉट एंड स्वीट सॉस होती है उसके साथ हम इसे इस तरीके से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक ज्यादा। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स स्वाद दिल्ली का चैनल। मैं आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार कोरियन चिकन की रेसिपी लेकर आएंगे जो कि हम इंडियन स्टाइल यानी देसी स्टाइल में बनाएंगे और ये बहुत ही इजी बहुत ही मजेदार रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं मजेदार रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले। व्यूअर्स, ये हमने चिकन लिया है बोनलेस जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हाथ से ही और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो हम इसको कोरियन स्टाइल में बनाएंगे अपने देसी तड़का लगा के, क्योंकि ये वहां का स्ट्रीट फूड है, बहुत ही मजेदार होता है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। वैसे तो वहां पे जिंजर गार्लिक पाउडर डाला जाता है लेकिन जिंजर गार्लिक पेस्ट ले सकते हैं, वही टेस्ट होता है व्यूअर्स। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर सॉल्ट डाला है यानी अराउंड 1/2 टीस्पून। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लें। नमक का तो अपना स्वाद अनुसार होता है कि आप कितना नमक खाते हैं, तो उसके हिसाब से अपना नमक ले लें। अब हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर, क्योंकि चाइनीज फूड होता है कोरियन फूड होता है उसमें ब्लैक पेपर यूज किया जाता है। इसका फ्लेवर बहुत ही यूनिक बहुत ही अच्छा होता है, इससे हमारी डिश जो होती है वो रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। ये देखिए अच्छे से इसका फर्स्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे रेड चिली सॉस जो होती है, हॉट चिली सॉस है। अगर आपके पास ना हो तो आप चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। और इसमें हमने 1/4 टीस्पून सोया सॉस डाली है और हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून ही विनेगर यानी व्हाइट जो सिरका होता है वो डाला है। इससे चिकन बहुत ही टेंडर बनता है, जूसी बनता है, इसमें गलने में जो होता है चिकन में टाइम नहीं लगता ज्यादा। अब इसको हम इसकी कोटिंग के लिए, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे और थोड़ा सा मैदा डालेंगे और एक एग भी अंडा भी डालता है इसके अंदर भी बस, लेकिन हम अंडा इसमें नहीं डालने वाले। ये देखिए हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है जो कि 2 टेबलस्पून के अराउंड होगा और 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा डालेंगे। इससे इसकी कोटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी ताकि क्रिस्पी और क्रंची बने। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए तो इससे हमारी जो कोटिंग है बहुत ही थिक हो गई है। बस इसे साइड पर रख देंगे और फिर हम आगे बताते हैं हमें क्या करना है। अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे थोड़ा और बस ये तैयार है हमारा ये। अब हम इसे स्क्यूअर में लगा देना है, क्योंकि अभी बस हम स्क्यूअर में बनाएंगे तो हमने बोटियां बनाई थी इसकी टिक्के की, तो इस तरीके से हम इसे स्क्यूअर में इंसर्ट कर रहे हैं। जितनी आ सके आप उसमें डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसमें डाल दिए थोड़ी सी दूरी पर और इसमें डाल देते हैं इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं जिस तरह चिकन 65 बनाया था बिल्कुल उसी तरह बनता है, ये थोड़ा सिमिलर है। ये सारी हमने बैम्बू स्टिक में लगा दी हैं। अब ये रेडी टू फ्राई हैं। यहाँ पर आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं क्लिंग रैप लगा के। अब हमारा जो ऑयल है वो मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म है बिल्कुल, तो हम इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो चिकन में हमने विनेगर मिलाया था तो चिकन बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएगा। बस देखिए एक साइड जब इसकी क्रिस्पी हो जाए गोल्डन हो जाए तो आप इसे साइड चेंज कर दें और सब चारों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ज्यादा वो नहीं कीजिएगा वरना जल जाएंगे। तो हमने इसमें रेड चिली सॉस डाली थी, सोया सॉस डाली थी, इसलिए इसका कलर आपको डार्क दिख रहा है लेकिन ये जले नहीं है। तो बस जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएंगे हम इसको निकाल लेते हैं ऑयल तो ड्रेन करके, और बाकी की जो हमारी स्टिक्स हैं उसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने इसका ऑयल ड्रेन करके निकाल लिया है। और भी बस इसकी मजेदारी जब आती है जब हम इसे सर्व करते हैं। अभी देखिए हमने स्टिक में ही इसे सर्व करना है, गर्मा गर्म हॉट प्लेट पर भी कर सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे चिली सॉस या टॉम ची जो हॉट एंड स्वीट सॉस होती है उसके साथ हम इसे इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे, हमारी गार्निश करेंगे सॉस के साथ। बहुत ही मजेदार बनती है व्यूअर्स, बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है। तो आप इसे एज ए स्नैक एज ए स्टार्टर ले सकते हैं। कभी आप दावत करें तो आपके गेस्ट जो है वो खुश हो जाएंगे इसे खा के। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर हिट करें और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा व्यूअर्स, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।